हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वयंपा क्लासेस। कैसे हो? चलो आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेले की डिश, करेले का फ्राई। करेला काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता सब्जी में, तो इसलिए ये चटपटा फ्राई बना के देखिए भी। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं कारली फ्राई। तो कारली फ्राई बनाने के लिए, यानी कि करेले के फ्राई बनाने के लिए आपको लगेगा करेला। करेला धो के लेना है, धोकर उसके छोटे छोटे राउंड स्लाइसेस कट करने हैं। स्लाइसेस कट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से तला जाएगा, इसलिए उसे पतले उसके स्लाइसेस कट करें। और फिर उस स्लाइस के बीच में से उसके जो बीज रहते हैं, उसके जो सीड्स रहते हैं, वो निकालने हैं, ताकि वो सीड्स काफ़ी कड़वे रहते हैं और वो खाए भी नहीं जाते, तो इसलिए उसको अच्छे से साफ करें। करेला खाने के लिए बहुत लाभदायक रहता है, उसे काफ़ी गुण भी रहते हैं, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है, और उसके कड़वा स्वाद अगर उसका निकल जाए तो वो खाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसका कड़वापन निकालने के लिए उसे हम पहले पानी में भिगा के रखेंगे। भी पानी में थोड़ा सा नमक डालें और उसमें करेला भिगा, करेले के जो आपने टुकड़े कट किए हुए हैं वो डाल के रखिए। एक 15 से 20 मिनट तक रखिए ताकि उसका वो कड़वापन निकल जाता है। फिर हम एक बाउल में या फिर एक बर्तन में सारे मसाले लेंगे। जो मसाले लाल मिर्च, हल्दी, धना पाउडर और जीरा पाउडर लेंगे और इसमें करेले के टुकड़े डाल के मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि करेले को सब मसाला लग जाए, अच्छे से कोट हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे चावल का आटा और मकई का आटा, यानी कि कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा हम डालेंगे। राइस फ्लोर से उसे कुरकुरापन आ जाता है, इसलिए हमने थोड़ा राइस फ्लोर डाला हुआ है। अब इसे अच्छे से मिलाएं ताकि ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, सूखा ही इसे कोट करना है, सूखा ही इसे आटे में मिक्स करना है। और फिर इसे गरम गरम तेल में हम तलेंगे। तेल गरम होना चाहिए, अगर तेल आपका गरम नहीं है तो करेला पूरा तेल सोख लेगा, इसीलिए तेल गरम रख करें और फिर ही उसको गरम गरम तेल में तले। और ये रहा आपका कुरकुरित करेला फ्राई तैयार, जो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। थैंक यू। हमारे रेसिपीज़ देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।